हिंदू संगठन साथे जोड़ेला नेताओंनी हत्या करवानुं षड्यंत्र रचवामां आव्युं हतुं। आ गुनामां मौलवी मोहम्मद सोहेल अबू बकरनी धरपकड कराई छे। ત્યારબાદ કોર્ટમાં તેને રજૂ કર્યો હતો। પોલીસે 14 દિવસના રિમાન્ડ માંગણી કરી હતી, કેમકે કોર્ટે 11 દિવસના મંજૂર કર્યા હતા। ષડયંત્ર રચવા માટે સિક્રેટ ગેમિંગ એપનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો। સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે હિન્દુ સંગઠન સાથે જોડાયેલા હિન્દુ નેતાઓની હત્યાના રચાયેલા કાવતરામાં મૌલવી સોહેલ અબુ બકરની ધરપકડ કરી છે। ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આરોપી મૌલવીની ધરપકડ કરી કોર્ટમાં રજૂ કર્યો હતો, જ્યાં કોર્ટે 11 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે। આરોપી મૌલવી પાકિસ્તાનમાં ડોંગરભાઈ અને નેપાળમાં સેના સાથે સંપર્કમાં હતો। पाकिस्तान हैंडलर साथ मौलवी संपर्क में आया बाद हिंदुवादी नेता राजा सिंह पुष्कर में उपदेश सहित ने टार्गेट करवानो हतो। ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी और कोर्ट ने हमें 11 दिन की रिमांड दी है। 16 तारीख को हमें दोपहर में इसको प्रोड्यूस करना होगा, वहाँ तक की रिमांड मिली। क्या ग्राउंड रखी गई सर पुलिस की तरफ से, उससे क्या और पूछताछ करनी है? देखिए, हमारा इरादा इन्वेस्टिगेशन में उसके लिंक्स ढूंढना है, वो किससे किससे जुड़ा हुआ था, वो कहाँ से वेपन लेने की कोशिश कर रहा था और किसको वो सुपारी देने की प्लान कर रहा था, क्या उसकी मंशा थी, उसके तमाम सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं, यूट्यूब में भी कुछ है पता लगा है, और वो सब भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टिगेशन काफ़ी डीप में जानी है, इसलिए एक लंबे रिमांड की हमने कोर्ट में रिक्वेस्ट की लगाई थी। मुद्दे तो बहुत सारे थे, जो मैंने आपको बताया सारे मुद्दे, ये हमारे पूरा टारगेट था कि ये सब करने के लिए हमें 14 दिन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने लंबी रिमांड मांगी थी। तो पाकिस्तान से कोई कनेक्शन बना है? अभी देखिए, धीरे धीरे नंबर्स तो मिले ही हैं हमको पाकिस्तान के, और उनके लोगों के नाम भी मिले हैं, पर कैसे उनके संपर्क में आया ये सब अब पता किया जाएगा, क्योंकि अभी एक ही दिन से हमारे साथ था। अब नहीं, अभी इसकी डिटेल इतनी जल्दी नहीं मिल पाई है, क्योंकि बैंक अकाउंट फिर मंगाना वगैरह में टाइम थोड़ा लगता है, अभी इतना नहीं पता लगा है कुछ। किसी संगठन का नाम सामने आया? नहीं, अभी तक कोई संगठन का नाम सामने नहीं आया, कोई ऐसे कुख्यात संगठन का कोई नाम नहीं आया सर। नहीं, ये भी अभी कुछ सामने नहीं आया है, अभी तक नहीं सामने आया, लेकिन इस पर हम सब डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जैसा मैंने बताया आपको कि जो 14 दिन की रिमांड बहुत ही रेयर केसेस में मांगी जाती है, वरना आदमी 5 दिन की मांगता है, 7 दिन की मांगता है, 14 दिन की मांगी थी विद वेल प्रॉपर रीजंस, और कोर्ट ने हमें 11 दिन की रिमांड दी। धमकी वगैरह देता था तो कहाँ से देता था, किस एरिया में थे, बातचीत करता? नहीं, जब ये धमकी देता था तो जो इसने एक वर्चुअल नंबर या वर्चुअल व्हाट्सएप कहिए इसने चलाया था, उसी के कॉन्फ्रेंस कॉल में लोगों को इंक्लूड करके फिर उनको गालियां देना, धमकी देने का काम कार्य करता था। जिस सिम को यूज कर रहा था, ये सिम किसके नाम पे था? ये इसमें इसने इसी सिम के लिए इसने जो व्हाट्सएप वाला है फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है, और इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन तो अब होगी कि किसके नाम पर क्या था। शायद इसने किसी विदेशी कंट्री के, मतलब कोई दूसरे कंट्री के सुविधा को यूज़ किया है, या उनके चैनल्स को यूज़ करके व्हाट्सएप नंबर वहाँ रजिस्टर करवाया है। हाल तो क्राइम ब्रांच टीम में हिंदुवादी नेताओं ने हत्याना षड्यंत्र मामले मौलवी ने धरपकड करी है। कामरेज खाते आएला कठोर खातेना मौलवी घरे जाए पुलिस त्यां पण सर्च कर्यो हतो। अजहर कुर्सी साथ हर्षद सीटा।